ज्यादा किसी लंबी कहानी में नहीं जाना चाहता, लेकिन कुछ बातें जो मैं महसूस कर रहा हूं, मुझे भी आज 40-45 साल हो गए हैं इस मिशन में काम करते हुए, लेकिन मैंने, मेरी खुशकिस्मती समझ लो या बाबा साहब को वरदान समझ लो, कि जितना मैं देश में घूमता हूं उतना ही विदेश में घूमता हूं बाबा साहब के मिशन के लिए। क्योंकि मैं ये मान के चलता हूं कि अगर आज मैं इस काबिल हुआ तो वो इस संविधान की वजह से हुआ। मेरा वजूद इस संविधान की वजह से है, मेरी एजुकेशन इस संविधान की वजह से है, मेरी जो बिजनेस है देश में नहीं विदेश में वो भी इसी संविधान की वजह से है, और मैं आज जहाँ खड़ा हूँ वो भी इसी संविधान की वजह से, नहीं मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। अब हमारे सामने जो मसले खड़े हो रहे हैं ये तो हमारे मसले हैं, लेकिन दो चीजें हमें तय करनी है कि ये मसले क्यों खड़े हो रहे हैं और इनको कैसे सॉल्व करना है। बाकी हमारे महापुरुषों ने जो कुछ कर दिया वो हमारे सामने है। आज इतनी इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया के नाते मिल रही है कि आपको उसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, उसको रिपीट करने की भी जरूरत नहीं है। मुझे ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एक बात कही थी कि भारत का इतिहास कुछ और नहीं, दो धर्म और दो संस्कृतियों के बीच में एक लगातार चलती हुई लड़ाई आ रही है, और मैं समझता हूं वो लड़ाई आज भी चल रही है, आज खत्म नहीं हुई। अफसोस इस बात का है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो एक हाथ से संभाला हुआ था, एक कलम से लिख रहे थे। आज बाबा साहब के संविधान ने करोड़ों हाथ और करोड़ों संभालने वाले और करोड़ों हाथ उसको लिखने वाले पैदा कर दिए, लेकिन हम रोक नहीं पा रहे, उसकी गिरावट को हम रोक नहीं पा रहे। क्यों? कि हमारे घर अच्छे हो गए, हमारी एजुकेशन अच्छी हो गई, पोजीशनें अच्छी मिल गई और बंगले अच्छे मिल गए, गाड़ियां हो गई, टेलीफोन भी दो दो चार चार पॉकेट में लेकर हम घूम रहे हैं। तो हम ये समझते हैं कि जो कुछ बाबा साहब ने कर दिया वही एनएफआई, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं कि अगर ये लड़ाई में हमने भी अपनी हिस्सेदारी डाली होती, मैं जरा बाबा साहब के पहले का संविधान के पहले का पीरियड देखो कि अगर बाबा साहब अंबेडकर की इस स्ट्रगल में, इस क्रांति में हमने भी अपनी हिस्सेदारी डाली होती, हमारे घरों में भी तस्वीरें लगी होती और माँ जे कहती कि जे तेरा दादा है जो तेरे संविधान के लिए या तेरे हक के अधिकार के लिए लड़ने गया था, इसकी टांग कट गई, इसका बाजू कट गया, इसका सर फोड़ दिया, वही मर गया। क्या बात! तो उस तस्वीर से हम प्रेरणा लेते और तस्वीर को देखकर हमारे अंदर एक आग जगती, हमारा खून खौलता कि भाई हमें इसका बदला लेना है, तो हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते। आज हम जो बाबा साहब कमाई छोड़ के गए, मैं तो हमेशा कहता हूं, आज फिर दोहराता हूं कि ये जो फल हम आज खा रहे हैं पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखे के। क्या बात है! ये जो फल हम खा रहे हैं आज पके पकाए हुए, ये पेड़ है मेरे पुरखों को लगाए हुए। अगर आज हम कोई पेड़ नहीं लगाएंगे तो आने वाले बच्चे फल कहां से फल खाएंगे? हर आदमी को यही लगा हुआ, जो मैं देश में भी देखता हूं विदेश में भी देखता हूं, कि बाबा साहब की क्रांति से मुझे क्या मिल जाए, आज ही मिल जाए, कल का भी इंतजार करने को तैयार नहीं, आज ही चाहता है। अगर उसको कहो कि तेरा योगदान इसमें क्या है, उस पर बात मत करो। मुझे लोग पागल कहते हैं विदेश में जितने भी हैं कि तू पागल हो गया है,
मैं कहता हूं अगर मैं पागल हो गया हूं तो मैं डबल पागल होना चाहता हूं। अगर आज मैं 6 बार देश में जाता हूं तो मैं 12 बार देश में जाऊंगा और एक एक साथी को अपने जैसा बनाने की कोशिश करूंगा कि जो, क्योंकि जब मैं अपनी माँ का, जहां अपने परिवार का दुर्दशा संविधान के पहले से देखता हूं तो मेरे अंदर वो आग आज भी बुझ नहीं पा रही। जिन लोगों के अंदर वो आग बुझ गई है वो इतने निकम्मे और इतने निकम्मे हो गए हैं कि वो अपने परिवार का भी नहीं सोचते कि अगर आज इस संविधान को हमने नहीं बचाया तो कल को आने वाले बच्चे कुछ भी ऐसा नहीं हासिल कर पाएंगे, कुछ भी ऐसा हासिल नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं उनको भी बताता हूं, मुझे याद है मैं पहली बार 1988 में सेंट्रल कमेटी की इंग्लैंड में बनी थी और मुझे पहली बार न्यूयॉर्क में जाना पड़ा, ये मेरी पहली एक एक्सपोजर थी। और मैं न्यूयॉर्क में रविदास जी के मंदिर में गया तो मैंने वहां देखा कि हमारा प्रोग्राम, बाबा साहब का प्रोग्राम करने के पहले उन्होंने अपना सारा जो पूजा पाठ तंत्र मंत्र तंत्र सारा करके फिर हमारी बारी आई। और जब हमारी बारी आई तो आधे लोग तो वैसे ही चले गए, उन्होंने समझा अंबेडकर के ऊपर बात सुनने की हमारी कोई जरूरत नहीं है, हम तो विदेश में बैठे, हमें अंबेडकर को क्या करना है। तो मैंने वहां जब पहली बार बात रखी, गुरु नानक सिंह जी, मुक्सर जी जहाँ बैठे हैं मेरे साथी, वो बताएंगे, मुक्सर साहब तो कई बार विदेशों में गए हैं, वो बताएंगे कि हमारे मंदिरों का वहां क्या हाल है। मैंने पहली बार रखी थी वहां बात कि आप लोग पंजाब से आए हुए हैं, पंजाब में 3 धाराएं चल रही हैं। एक धारा है रामायण की चल रही जिसमें वाल्मीकि जाति के सारे लोग बंधे हुए हैं, दूसरी धारा है ग्रंथ साहब की चली तब ये अमृतवाणी नहीं आई थी, दूसरी धारा चल रही है ग्रंथ साहब की जिसमें बहुत से हमारे रविदासिया कम्युनिटी के लोग बंधे हुए हैं। और मैं जिस बार धारा की बात करने आया हूं वो है संविधान की धारा। अगर तुम ग्रंथ साहब और अगर तुम रामायण, अरे इनको छोड़ो, ब्राह्मणों के सारे धर्म ग्रंथ एक तरफ रख दो और बाबा साहब का संविधान एक तरफ रखो तो सभी पे भारी पड़ेगा। लेकिन ये कहने से ही नहीं, ये कहने से नहीं, ये एहसास अपने अंदर पालने से, बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें बुद्ध धर्म दिया, ये सोचकर कि बुद्ध धर्म, बाबा साहब ने बुद्ध धर्म आखिरी दम तक छोड़ा। क्यों? कि बाबा साहब चाहते थे कि अगर मैंने धर्म की बात पहले चालू कर दी तो जो अधिकार धर्म को प्रफुल्लित करने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए चाहिए है, अगर वो रुक गए तो मेरे लोग इसको आगे नहीं ले जा सकेंगे। इसलिए बाबा साहब ने संविधान में हर अधिकार आपको वो दर्ज करके दिया जिसका सहारा लेकर आप अपना देश बुद्धमयी बना सकते थे। लेकिन मैंने पहले भी कहा, क्योंकि हमारी कोई कंट्रीब्यूशन नहीं ना संविधान के लिए और ना बाबा साहब की क्रांति के लिए, इसलिए आज थोड़े थोड़े हम फड़फड़ा रहे हैं क्योंकि हम जूते खा रहे हैं। आज हम थोड़े थोड़े फड़फड़ा रहे हैं क्यों कि आज हमें जूते पड़ रहे हैं। मैंने पहली बार जिस दिन देखा था गगर में 5 अपने जमार कम्युनिटी के लोगों की हत्या कर दी क्योंकि वो किसी गाय को खींच के ले जा रहे थे, हालांकि वो मरी हुई गाय थी, ये कहकर जिंदी गाय की ये चमड़ी उतारने वाले हैं। अगर वो हमें समझते हैं हम जिंदे लोगों की और जिंदे जानवरों की चमड़ी उतारने वाले हैं तो ब्राह्मण की भी एक दिन चमड़ी उतारने के लिए तैयार है। ये तो हमारा हुनर है, ये कला तो हमारे पास बहुत कुछ से आई हुई है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि अकेला संविधान अपने बलबूते पे आपको ये सारे अधिकार दे देगा, नहीं लेके देगा। मैं विदेश से आया हूँ, मैंने बहुत सी क्रांतियां देखी, मैंने जो काले लोग निग्रोज़,
पानी की ओर उनकी क्रांति देखी, और वो क्रांति सिर्फ 200-300-400 साल की